क्वेश्चन पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। देखिए इसमें आप लोग इस सवाल के उत्तर के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाया गया हो, ठीक है। देखिए इच्छा अगर होगी ना तो पर्वत को भी लांग सकते हो बच्चों, पहले इच्छा को जगाओ, ठीक है। अब ये देखिए वह कह रहा है कि दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर परिच्छेद प्रतिच्छेद कर सकती है। अब ये देखिए दो भिन्न रेखाएं हैं, आपको क्या है, दो भिन्न रेखाएं दिए हुए हैं। मान लीजिए आप एक आपकी एक भिन्न एक रेखा है ए बी, आपकी एक रेखा ए बी है, एक और रेखा आप खींच लीजिए, एक रेखा ऐसे खींच लीजिए सी और डी, खींच लिया आपने। अब ये बताइए कि ये रेखा कितने जगह पे काट रही है, अब आप ही बताइए। तो इतना सिंपल सा आंसर, और इसको इसको जो है, गुड मॉर्निंग सर, इसको अगर आप इस चित्र बना करके अगर अपने कॉपी में लिख लो तो किसी को समझाना भी आसान हो जाएगा और याद भी रहेगा, है कि नहीं। मेहनत कम करिए, याद ज्यादा करिए। यस कम। अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण क्या कोण कहलाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब कोण ए और कोण बी दोनों मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं तो ये दोनों कोण कहलाते हैं पूरक कोण। पूरक कोण मतलब ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री पूरा करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे ए बी का पूरक कोण है और बी ए का पूरक कोण है, बस इतना ही आपको समझना है। तो जब दो कोण मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं तो ये कोण से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। बार बार पढ़िए, कह रहा है किसी दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण कैसा। अब इसमें बताइए समस्या क्या है आपके सामने, इस सवाल को हल करने में क्या समस्या है। हाँ बताइए, क्वेश्चन पूछिए, जो क्वेश्चन पूछेगा वही सीखेगा, क्वेश्चन पूछने के लिए खुली छूट है। बताइए, हाँ बताइए आपको इसमें क्या समस्या है। पहला तो ये दीर्घ वृत्त खंड ये आपको बड़ा परेशान कर रहा है कि सर ये दीर्घ वृत्त खंड होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है। दीर्घ वृत्त खंड से आपका परिचय करो। तो ये देखिए बच्चों ये आपका क्या है, ये आप ये क्या है वृत्त है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको वृत्त कहते हैं, इसको वृत्त कहते हैं ना। कोई संदेह नो डाउट। अब देखिए इसको अगर ये मान लो आपका केंद्र है, ये ए है ये बी है, तो ए और बी ए बी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ए बी को क्या कहते हैं बताइए। नो गलत, ए बी को कहते हैं
ब्यास। एबी को क्या कहते हैं? ब्यास कहते हैं। अब ये लाइन इस वृत्त को कितने भागों में बांट दिया? दो, है ना। तो एक भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। ये क्या कहलाता है? अर्ध। ये भाग कहलाया अर्ध, और ये वाला भाग भी कहलाएगा, ये भी अर्धवृत्त। तो ये दो भागों में बांटा, तो इसको ये कैल कहलाता है, ये कहलाता है वृत्त खंड भी कहलाता है। ये वृत्त खंड, ये एक दूसरा वृत्त खंड है, ये दूसरा वृत्त खंड है। अब इसको नाम दे सकते हो ए बी, ये सी मान लीजिए, और एक ये डी मान लीजिए। तो ए सी बी, ए सी बी एक अलग वृत्त खंड है और ए डी बी एक दूसरा वृत्त खंड है। ए सी बी एक अलग वृत्त खंड है और ए डी बी एक दूसरा वृत्त खंड है। यहां पर देखिए दीर्घ वृत्त खंड, तो दोनों वृत्त खंड कैसे हैं? बराबर है या कोई छोटा है कोई बड़ा है? बराबर है। तो ये बराबर वृत्त खंड है। ये कैसे वृत्त खंड है? अर्धवृत्त जो होते हैं ये बराबर बराबर वृत्त खंड होते हैं। अब अभी भी आपका दीर्घ वृत्त खंड नहीं आया है, तो दीर्घ वृत्त खंड कैसे होगा मैं बताऊं आपको। तो दीर्घ वृत्त खंड जो है ये बता देंगे। हाँ देखिए, पहले मैं दीर्घ वृत्त खंड समझा रहा हूं, है ना। जब ये आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है, ये आपका ए बी व्यास था। अब अगर एक लाइन ये मान लीजिए, ये सी डी, सी डी, सी डी आपने खींच लिया, तो ये जो वृत्तखंड, ये भी दो वृत्तखंड में बांटा ना, एक ऊपर वाला वृत्तखंड और एक नीचे वाला वृत्तखंड। तो ये अब आप देखेंगे ये दोनों वृत्तखंड बराबर नहीं है, ये दोनों वृत्तखंड बराबर नहीं। तो ए ये आपका सी डी और सी, ये इसका नाम लीजिए एम डी और एन, एम डी एन, एम डी एन जो वृत्तखंड है आपका एम डी एन, एक ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड आपका है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्त खंड। तो आपका दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है? ये वाला है, ऊपर वाला, बड़ा वाला। अब इसमें पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण कैसा होता है, तो पहले इसमें कोण बनाएंगे। तो कोण कैसे बनाएंगे? देखिए, ये कहीं पर भी बना लीजिए, ये एक कोण है, ऐसा ही आपको बहुत सारे कोण मिलेंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका एक्स ले लिया, अब ये देखिए यहां से लिए ये वाई ले लिया, तो ये सारे जो कोण बन रहे हैं ना, ये दीर्घ वृत्त खंड के कोण है। कोण एक्स और कोण वाई, ये दीर्घ वृत्त
खंड के क्या है, कोण है। अब आप देख रहे होंगे, अब इस आपने देखा ये कोण है और ये कोण है। अब आप क्या इसका सवाल का आंसर दे सकते हैं? मेरा सवाल क्या है, किसी दीर्घ वृत्त में बना कोण कैसा होता है? देखिए कोण कोण कैसे होते हैं, एक न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है, एक ऋजु कोण होता है और एक परिवर्ती कोण होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए इसमें कौन सा कोण है, ये कोण कौन सा कोण है बताइए, न्यून कोण है। तो दीर्घ वृत्त में बना कोण कैसा होता है, न्यून कोण। कैसा होता है, याद रहेगा। यह है किसी घन के किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, किसी घन के किनारों की संख्या कुल कितनी होती है। देखिए बच्चों, आपको मैंने ये घन बता दिए, बना दिया है ए बी सी है ना, डी, ये ई एफ जी एच, ये आपका एक घन है। इसमें आपको किनारों की संख्या बतानी है। तो देखिए किनारे क्या होंगे, अब ये देखिए ये किनारा है ना, ये ए बी हुआ एक किनारा, एक किनारा ए बी हुआ, दूसरा नीचे वाला ले लो, ये नीचे वाला पहले ले लीजिए आप बी एच, उसके बाद जी एच या एच जी, उसके बाद ए जी, हो गया ना, ये चारों हो गए। अब उसके बाद ये दीवार वाले किनारे ले लो, तो ये क्या है बी सी, उसके बाद ए डी, दीवार वाले किनारे लेने हैं, उसके बाद जी एफ, उसके बाद ई एच, ई एच, ये हो गए, ये नीचे वाले किनारे हो गए, दीवार वाले किनारे हो गए। अब उसके बाद देखिए ये वाला किनारा ऊपर वाला डी सी, डी सी, उसके बाद ई सी ई, उसके बाद एफ ई, एफ ई, एफ ई, उसके बाद एफ डी, एफ सी नहीं होगा क्योंकि ये कोना कोना है, ठीक है। तो अब ये देखिए गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, तो कुल कितने किनारे होते हैं, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन असंरेखीय बिंदुओं से कितनी कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। सवाल समझ में आया आप लोगों को, असंरेखीय है, अंशरेखीय नहीं असंरेखीय है, समझ में आया आप लोगों को, समझ में नहीं आया। देखिए पहले तो तीन बिंदु है, देखिए तीन बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं, एक बिंदु दो बिंदु तीन बिंदु, और इसको मिला करके आप एक लाइन खींच सकते हैं, ये पी क्यू, ये तीन बिंदु है। इन तीन बिंदुओं का एक स्पेशल नाम है गणित में, गणित में ऐसे बिंदुओं को क्या कहते हैं आपको पता है, ये कहलाता है संरेखी, संरेखी बिंदु। क्लास 10 में जब जाओगे तो
तो आपको सिद्ध करना होगा कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर संरेखी है और उसमें पी क्यू और आर का निर्देशांक दिया होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर है, क्लास 10 में जल्दी ही आने वाला है, इसलिए ये याद रखिए संरेखी बिंदु। इसको जब किसी तीन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची जा सके तो उसको कहते हैं संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? जब तीन बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींची जा सके तो उसको क्या कहते हैं? जैसे पी क्यू आर से एक रेखा खींच सकते हैं आप, इसलिए इसको कहते हैं संरेखी बिंदु। अब आपका प्रश्न है तीन असंरेखी बिंदु, तो आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे ले लो, मान लो एक बिंदु ए है यहां, एक बिंदु बी है यहां और एक बिंदु सी है। तो अब ये प्रश्न है कि इन तीन बिंदुओं से कितने वृत्त खींच सकते हो आप? नहीं, इन तीन बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींच सकते हैं, है ना? हाँ? अब जैसे मान लो कि एक वृत्त क्या होता है, वृत्त जो होता है ये वृत्त में है ना, एबीसी वृत्त में है ना, तो ये मान लो केंद्र है, तो ओसी बराबर होगा ओबी बराबर होगा ओए, है ना? तो जब एक वृत्त खींचोगे तो इनसे केवल मिलकर के एक ही ना वृत्त खींचाएगा, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? एक, केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। याद रखिएगा मैंने चित्र बना करके आपको समझाया, ठीक है? बस आज इतना ही आप नोट कर लीजिए।